हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से ईशा मेहरा आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपके एक्सरसाइज या वेट लूज की तरह जैसे मैं आपको हमेशा वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं उसी तरह की एक्सरसाइज लेकर आई हूं, बट नहीं, मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट चीज़ लेकर आई हूं जो आजकल के टाइम में सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आजकल हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, अपनी स्किन को ग्लो रखना चाहता है। तो अभी तक मैं आपको वेट लूज की एक्सरसाइज बताते आई हूँ और उसकी बहुत अच्छी कमेंट्स मुझे मिली हैं, बहुत सब लोगों ने लाइक करा है, जिससे मुझे लोगों ने डिमांड किया है कि आप ऐसी वीडियो लेकर आए जो ग्लोइंग स्किन के लिए इफेक्टिव हो, जिससे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेके आ सके। सुंदर दिखना हर किसी का बहुत बड़ा सपना है, अपनी स्किन ग्लो रखना, नेचुरली ग्लो दिखना सब लोगों का सपना होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो सब लोग दिखना चाहते हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर कोई चाहता है उसके फेस पे कोई मार्क्स नहीं हो, उसकी स्किन बहुत अच्छी लगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको कोई फेस रेमेडी नहीं बताऊंगी, कोई पिल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनके झांसे में आप लोग फंस जाते हैं। आप गोरा दिखने के लिए आपको क्रीम बताई जाती है कि नेचुरल है, फिर भी आपके स्किन पर उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। आप उसको लगाते हैं, आपकी धीरे धीरे स्किन और डल होने लगती है, पैची होने लगती है, आपके मार्क्स आ जाते हैं और फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बहुत खर्चा करते हैं उनको ठीक करवाने के लिए। बट मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रेकमेंड करूँगी। मैं आपको बहुत ही अच्छा वीडियो, जो अगर आप मेरा देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो अगर आप डेली करेंगे जैसे मैं आपको बताऊँगी इसी तरीके से, तो आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा, आपका रंग गोरा हो जाएगा, जो आजकल रंग गोरा होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ मैं आपको इस किस तरह से आपको ये फेस एक्सरसाइजेस करनी है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज बताने से पहले मैं प्लीज़ ये चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर रेड बटन होगा, उसको आप प्रेस करिए, और एक बेल आइकन होगा उसको आप प्रेस करिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नई अपडेट्स टाइम टू टाइम आती रहें और आप जिनका फ़ायदा उठा के अपनी बॉडी को, अपने फेस को, या अपनी और भी नई तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँगी, आप अपने आप को खूबसूरत बना सकें। आइए फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको आप करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा फेस पे और आपका ग्लो बढ़ जाएगा, आपका रंग गोरा हो जाएगा। तो आइए आप मेरे साथ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, जिसके लिए आपको अपने हैंड्स से अपना नोस्ट्रल प्रेस करना है, अपनी सांस अंदर खींचनी है, अंदर खींचकर उसको होल्ड करके माउथ फुलाना है, अंदर होल्ड कर लेनी है। उसके बाद अपने हेड को चेस्ट के पास लेकर जाना है, चेस्ट तक लेकर जाना है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेम आपको ऐसे ही करना है, चेस्ट तक लेकर जाना है और अपनी सांस छोड़ते ऊपर अपना हेड लेकर आना है। तो आप इस तरीके से करिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से सांस अंदर खींचनी है, मुंह को फुलाना है, अंदर होल्ड कर लेना है, माउथ में अपनी सांस को होल्ड कर लेना है। उसके बाद अपने हेड चेस्ट तक लेके जाना है और अपनी सांस छोड़ते हुए ऊपर लेकर आना है। मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ। आपको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। सेकंड्स आप जितने अपने बढ़ाएंगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, उतना ही आपके फेस पे ग्लो आएगा। मैं आपको दोबारा से करके बताती हूँ। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। आपने बहुत सुना होगा अपने दादी से, अपनी नानी से या अपनी मम्मा से कि ये बहुत पुराना नुस्खा है जिसको हम आजमाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि बहुत पुराने लोग बोलते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, बट ये एक्चुअल में वर्क करता है हमारे फेस की मसल्स के लिए। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे हैंड्स में होती है, जिसको हमें रब करना चाहिए इस तरीके से और अपने फेस पर रखिए और जेंटली मसाज करिए अपने फेस पर, बहुत आराम से, अपने हेड पर, अपनी आईज पर, अपने चेक्स पर, जहाँ जहाँ आप ये अपने हैंड्स मसाज करेंगे वहाँ वहाँ आपके फेस का ग्लो बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आपको करना है क्योंकि हैंड्स में हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जब हम सो के उठते हैं। बट हाँ, ये आपको बेड पे बैठे बैठे करना है, ये नहीं आप उठ जाएँ और कुछ करने लगें उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करें। उठने के साथ ही आपको अपने हैंड्स को रब करना है, जो उसके अंदर हीट आ जाती है हमारे हैंड्स को, और इमीडिएटली आपको तुरंत अपने फेस पर उसको जेंटली मसाज करना है इस तरीके से।
स्लाइटली सा प्रेस करना है, अपने हर पोर्शन को, अपने फेस के हर पार्ट को आपने इस तरीके से मसाज देना है। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी। इससे अपना आपको सांस अंदर की तरफ खींचना है, माउथ में होल्ड करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे छोड़ना है। अपने हाथ की पोजीशन इस तरीके से रखें और अपने सांस को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फिंगर्स आप अपनी सीधी रखिए और इस तरह से अपनी उंगली और अंगूठे को मिला लीजिए और अपनी सांस अंदर की तरफ खींचिए और मुंह में होल्ड करके रखनी है आपको। धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है और अपने मुंह में आप माउथ में जितनी देर अपनी सांस जो है होल्ड करके रखेंगे, ब्रीथ को होल्ड करके रखेंगे, उतना इफेक्ट आपके फेस पर आएगा। क्योंकि जब हम अपना माउथ फुलाते हैं, सांस रोकते हैं, तो हमारे जो आँखों के आसपास झुर्रियाँ आ जाती है, एजिंग, झाइयाँ, ये सब जो प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, क्योंकि ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ कर देता है, हमारा रंग गोरा करता है, ये हमारे सारे फेस के जो पाचीपन है, डलनेस आ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। आप धीरे धीरे आप एक्सरसाइज को इमिजिएटली रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आप इसको रेगुलरली करेंगे, डेली करेंगे, तो आपको लगने लगेगा इफेक्ट इसका। अगर आप सोचें आप आज कर रहे हो कल आपको इफेक्ट दिख जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए पेशेंस रखने होंगे, आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी होगी, टाइम पीरियड देना होगा इस चीज़ के लिए, तो आपके फेस पे आपको नेचुरली आपको दिखने लगेगा और लोग भी आपको नोटिस करवाने लगेंगे कि आपके फेस पे ग्लो बढ़ता जा रहा है। बट रेगुलरली करिए और टाइम पीरियड बढ़ाइए, माउथ में होल्ड करने का ब्रीथ टाइम बढ़ाइए और एक्सरसाइज करने का भी टाइमिंग बढ़ाइए, तो आप खुद देखने लगेंगे आपके आंखों के आसपास जो डार्क सर्कल है वो चले जाते हैं, जो झुर्रियाँ हमारी स्किन एकदम ऐसे इकट्ठी हो जाती, एजिंग प्रॉब्लम आ जाता है वो चली जाएंगी, पाचीपन रिमूव हो जाएगा, स्किन बहुत ग्लो करने लगेगी और आप बहुत सुंदर दिखने लगेंगे। तो मैं आपको एक और बार करके दिखाती हूँ एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है। इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक्सरसाइज के थ्रू आपको फेस पे बहुत जल्दी इफेक्ट दिखने लगेगा, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे माउथ में हो जाता है, क्योंकि आप आजकल की रूटीन लाइफ जानते हैं, हम सबको मेंटल स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है तो बहुत स्ट्रेस होता है सबको, तो इससे हमारी स्किन डल हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज, ये वाली जो मैंने आपको बताई है बहुत ईजी एक्सरसाइज है, अगर आप इसके लिए 10 मिनट्स निकालेंगे तो आप इजीली अपने फेस पे ग्लो लेकर आ सकते हैं। स्ट्रेस तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन अपने फेस का ग्लो जरूर बढ़ा सकते हैं इस एक्सरसाइज करके। आप इसके साथ साथ, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है, आपको फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप फ्राइड चीज़ें खाएंगे आपके फेस पर ऑयल आ जाता है, आपको एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है पूरे दिन में अपनी, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपकी स्किन नेचुरली इंटरनली अच्छी रहेगी। साथ में अगर आप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, अच्छी मतलब वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे खाने में, तो आपका स्टमक ठीक रहेगा। सिर्फ हमारा प्रॉब्लम हमारे स्टमक से होता है, अगर हमारा स्टमक ठीक है, हेल्दी है, तो हमारी स्किन भी हेल्दी है, उस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई डलनेस नहीं आती, कोई एक्ने प्रॉब्लम नहीं होता और एजिंग भी जल्दी से नहीं आती। तो आप प्लीज़ मेरी इन सब बातों का बहुत ध्यान रखिए अपनी स्किन ग्लो करने के लिए, अपनी हैबिट्स को भी ठीक करिए, फ्रूट्स खाइए, पानी पिए, बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखिए और ये एक्सरसाइज तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट देगी। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी एक्सरसाइज को फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके फेस पे कितना इफेक्ट लेकर आई, आपको मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना ना भूलें मुझे, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ नई आइडियाज़ के साथ, ताकि आपके लिए आप जिसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकें और सुंदर और फिट दिख सकें। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।